अभी भी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आर्मी के कंप्यूटर सिस्टम पर चीन ने किया हमला, सारे कंप्यूटर सिस्टम हुए बंद। अमेरिका के लिए रूस के बाद अब चीन के हैकर बड़ी समस्या बन गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस दौरान अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया और उनके डेटा की जांच शुरू की, ठीक उसी दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को चीन के हैकरों की ओर से अमेरिका के कई राज्यों में हैकिंग की कोशिश की खबरें मिली थी। चिंता की बात यह थी कि जिस कंप्यूटर कोड को हैकरों ने अमेरिकी सिस्टम में डालना शुरू किया वह गुआम के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में भी पाया गया। यह बात डराने वाली इसलिए भी है क्योंकि गुआम अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेसों में शामिल है, जिसके नियंत्रण में प्रशांत महासागर में सबसे अहम बंदरगाह आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस हैकिंग की कोड की जानकारी भी प्रकाशित की है। बताया गया है कि इस हैकर समूह का नाम बोल्ट फोन है। इस समूह को चीन की ओर से ही दूसरे देशों के अहम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे समाचार, विद्युत, गैस से जुड़े संसाधनों को निशाना बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, इसके नौ सैनिक अभियानों और परिवहन व्यवस्था को भी बिगाड़ने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि गुआम में हुई घटना को अमेरिकी अधिकारियों ने जासूसी से जुड़ा मुद्दा माना है। हालांकि यह भी कहा गया है कि चीन के हैकर इस कोड को सिस्टम का सुरक्षा घेरा तोड़ने और इसके बाद तबाही वाले हमले कराने के लिए इस्तेमाल कर सकती है।